आज का जो टॉपिक है वो है इंजीनियम इंजन। तो जैसे कि थर्सडे को मैं कुछ नया डालने की कोशिश करता हूँ कि आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चीज़ नई आ रही है। तो ये काफ़ी नई चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि मैं मैगजीन पढ़ रहा था तो मेरे को ये काफ़ी अलग चीज़ लगी और नई चीज़ है। जगुआर अभी इस पर काम कर रहा है, इस पर इंजन डेवलप कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा इंजन है ये। इसकी एक फ़ोटो इधर डाली है, आप देख सकते हैं इसमें, ये फ़ोटो है इंजीनियम इंजन की। तो अब इसके फीचर्स पे आते हैं, तो फीचर्स इसके ये हैं कि ये 31 KMPL की एवरेज देगा, ऐसा उनका कहना है कि ये 31 KMPL की एवरेज देगा, तो काफ़ी अच्छी एवरेज है। CO2 का एमिशन इतना कम है कि 99 ग्राम पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 99 ग्राम की CO2 निकलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और BHP इसकी 160.77 BHP है, ये भी बहुत सही BHP दे रहा है। इसका वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग, वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग का मतलब होता है कि आप कैमशाफ्ट की टाइमिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कैमशाफ्ट को थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिटार्ड कर सकते हैं। अगर आप एडवांस करते हैं और परफॉर्मेंस मोड में चले जाते हैं, रिटार्ड करते हैं तो लैग मोड में चले जाते हैं, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ जाती है उससे। तो वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग का इन्होंने कुछ यूज़ किया है इसमें। उसके बाद SCR होता है, सिलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि ये सब मैं आपको चलो आगे समझाऊंगा अपनी वीडियो में। उसके लो प्रेशर EGR, लो प्रेशर EGR होता है, EGR की फुल फॉर्म होती है एग्जॉस्ट एयर रिसर्कुलेशन। ये भी मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको काफ़ी पसंद में आएगा इसमें। अब इंजीनियर इंजन का इंट्रोडक्शन है कि इन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जैसे कि अभी देखा तो काफ़ी अच्छे है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी है ही। तो जो ये बना रहे हैं इंजन, ये पूरा का पूरा इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी कंपनी के अंदर सारे पार्ट्स अपनी कंपनी के अंदर ही बना रहे हैं, किसी भी बाहर से कोई पार्ट नहीं खरीद रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने वेट रिडक्शन करी है वो 80 kg की वेट रिडक्शन करी है, जो कि काफ़ी अच्छी वेट रिडक्शन है। इन्होंने एल्यूमिनियम का यूज़ किया है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा वेट रिडक्शन किया है इन्होंने। उसके बाद जो इंजन है, जो सबसे पहले इंजन बनाने वाले हैं, वो 2 2 लीटर का इंजन है और डीजल इंजन है, जिसका नाम इन्होंने दिया है AJ200D। तो जो इन और इसका जो तीसरा सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे को लगा, वो सबसे बड़ा है, ये 17% तक फ्रिक्शन कम कर रहा है। मतलब अगर बहुत बड़ा होता है 17% तक फ्रिक्शन कम करना, बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने अचीव किया, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी की वजह से ये अपनी क्लास का मोस्ट एफिशिएंट इंजन बन चुका है। और आगे चलते हैं तो इन्होंने कुछ एडवांसमेंट करी हैं अपने, जैसे कंट्रोल जो कंप्यूटर कंट्रोल चीज़ें होती हैं इंजन के अंदर, जैसे कि ऑयल प्रेशर, इंजन का टेम्परेचर, पिस्टन कूलिंग वो जो भी होता है, ये सब कंप्यूटर से जो भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं वो सब इन्होंने इनमें कुछ एनहांसमेंट्स करी हैं। और जैसे मैकेनिकल चेंजेस भी कुछ करे हैं कि ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे को काफ़ी नई लगी ये ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट, लेकिन है काफ़ी पुरानी, मैंने पहली बार पढ़ी है, बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने रोलर बेयरिंग यूज़ करी है कैम के अंदर और बैलेंसिंग शाफ्ट्स यूज़ करी हैं। बाकी मैं ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट आपको समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। अब देखिए इसमें ऑफसेट, मतलब सबसे पहले कन्वेंशनल में क्या होता है, पिस्टन की जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसी एक्सिस पर इसका क्रैंकशाफ्ट का सेंटर भी लाई करता है। लेकिन ऑफसेट में क्या होता है, इससे थोड़े से अलग हटके हमारे क्रैंकशाफ्ट हमारा जो रीड होता है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इसके एक्सिस से थोड़ा सा दूर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पिस्टन हमारे नीचे की तरफ धक्का लगता है इसमें कंबशन की वजह से, तो पिस्टन जब नीचे की तरफ आता है तो कनेक्टिंग रॉड थोड़े से एंगल पे हो जाते हैं। कनेक्टिंग रॉड एंगल पे होने की वजह से जो इसका थ्रस्ट होता है वो एक एंगल पे लगता है। जब एंगल पे लगता है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक जो जो इसके फोर्स के अपोजिट लगते हैं और दूसरा जो है वो इसके परपेंडिकुलर लगता है। जब वो इसके जो परपेंडिकुलर लगता है तो वो इस डायरेक्शन में लगता है जहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट में है सिलेंडर और पिस्टन। तो जब इस टाइम पर जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ से हमारी फोर्स इस तरफ लगेगी तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा तो हमारे फ्रिक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर आप ऑफसेट में देखेंगे तो ऑफसेट में क्या हो रहा है कि हमारा जब हमारा फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो हमारा कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं इसमें पूरी स्ट्रेट है। और स्ट्रेट होने की वजह से इसकी जितनी भी फोर्सेज है उसको नलीफाई कर रहा है ये, और इधर हमारे दूसरा कंपोनेंट भी है ही नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और आगे चल के अगर और ज़्यादा रोटेशन के बाद अगर कोई कंपोनेंट होगा भी तो इतना कम होगा कि उसकी फ्रिक्शन हम मतलब फ्रिक्शन काफ़ी कम कर देंगे, कम होगा उसकी वजह से। तो फ्रिक्शन जब कम हो गया तो फ्रिक्शन लॉसेस कम हो गए, और ये काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा इंटरेस्टिंग चीज़ है काफ़ी, ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट। अब आगे आते हैं DEF एडिशन। DEF होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड एडिशन। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड एडिशन मतलब हम एमिशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा एमिशन थोड़ा कंट्रोल हो, ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हमारे एटमोसफेयर में ना जाएँ। तो जब हमारी एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कुछ एग्जॉस्ट गैसेज आ रही हैं तो हम क्या करते हैं कि
कि यहाँ से हम ये डीजल फ्यूल इंजेक्टर है उसके थ्रू हम डीजल फ्यूल को एंटर करवा देते हैं, और इसको मिक्स, जब ये मिक्स होता है उसके बाद इसको SCR से पास कराते हैं। सबसे पहले DEF जो होता है वो होता है 32.5% यूरिया होता है उसमें, और 67.5% DIS वाटर होता है। और जो SCR होता है वो हमारा वो होता है सिलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन, और ये एक टेक्निक है इसके थ्रू हम के अंदर जो हम DEF को मिक्स करते हैं, और DEF को मिक्स करने के बाद जब हम इससे पास कराते हैं तो क्या होता है DEF जो होता है वो इवेपरेट होता है, इवेपरेट होने की वजह से ये हमारा डीकम्पोज हो जाए, और डीकम्पोज होने के बाद ये बनाते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अगर आप इसको DEF को ना मिक्स करें तो नॉर्मली कन्वेंशनल क्या होता है कि आपके नॉक्स गैसेज निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकलते हैं, और जो नॉक्स गैसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अमोनिया निकालता है नॉक्स की जगह, तो इससे हमारा हम एग्जॉस्ट गैसेज का मतलब जो भी टॉक्सिसिटी है उसे थोड़ा कम कर देते हैं। अब आगे देखते हैं SCR जो बने होते हैं वो वेरियस सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं जिसमें जियोलाइट्स भी होते हैं और एक्टिव कैटलेटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये SCR की कंपोजिशन, जो SCR जिससे बने होते हैं वो ये चीज़ है। और ये जो भी SCR जो भी हमारे टेक्निक है वो हम मेनली यूज़ करते हैं वो रिडक्शन करने के लिए, और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये लो टेम्परेचर पर भी काम करता है। अब अगला जो टॉपिक है वो लो प्रेशर EGR है। अब EGR होता है क्या, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि एग्जॉस्ट गैस जो हमारी निकल के आ रही है उसको दोबारा से हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे एग्जॉस्ट गैसेज होती है उसके अंदर हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो पिछली बार जो कम्बशन हुआ उसमें कई सारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रह जाते हैं जो हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं। अगर हम उन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होती है बेसिकली, तो हम उन हाइड्रोकार्बन्स को दोबारा अगर कम्बशन कराया उसका तो हम उससे कई सारी पावर ले सकते हैं अभी भी। तो हम क्या करते हैं, ये कार्बन को दोबारा से इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू वापस डाल देते हैं और अगली बार कम्बशन में उनसे कम्बशन के थ्रू पावर जनरेट कर लेते हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया कि हम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि हम जो फ्यूल आ रहे हैं और उसमें थोड़ा और फ्यूल डाल के पावर बढ़ा लेते हैं, तो हमारे एफिशिएंसी बढ़ गई। उसके बाद देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेज हमारी निकल रही होती है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इस वजह से क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है अगर कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर पूरा कम्बशन किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को दोबारा से अगर हम इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू अंदर भेज दिया जाए और उसका फिर से कम्बशन कराया जाए, और फिर से कम्बशन कराया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी, और इससे हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, और फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम थोड़ी लेस हार्मफुल होती है और फिर हम उसे बाहर निकाल लेते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है नॉक्स, जो नॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जो नॉक्स जो हमारे निकल रही होती हैं, नॉक्स के अंदर 98% NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO जो होता है वो फिर से इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से बनता है। अगर हम NO को दोबारा से अगर हम डालते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू तो क्या होता है NO प्लस O मिलके फिर से हमारा बना लेते हैं NO2, जो कि थोड़ा लेस हार्मफुल होता है, पर NO2 जो बनता है फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। तो ये हमारा प्रोसेस होता है लो प्रेशर EGR का। लो प्रेशर EGR में क्या करते हैं लोग, तो जो एग्जॉस्ट गैसेज है उसे पहले थोड़ी देर ठंडा करते हैं उसके बाद हम डालते हैं इसमें, इतना सा फ़र्क होता है इसका। तो गाइस थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प आई हुई ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको मतलब आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस डालता रहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। और अगली वीडियो जो आ रही है मेरी वो संडे को आ रही है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिन इंजन के बारे में उनका एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ स्टिक टू माई चैनल, ऐसे ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकेंगे हम एक दूसरे से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल भोला मेडटेक।